कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत शामली से की है। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले परेड के लिए पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र ने अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। दिल्ली के सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम तापमान है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने बागपत में आगे बोलते हुए कहा कि मेरी टी शर्ट पर सवाल असली मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के बच्चे किसान और मजदूर सर्दियों में बिना गर्म कपड़े के घूम रहे हैं, ये असली मुद्दा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन और कई घरों में दरारें जारी हैं। जोशीमठ में 561 घरों में दरारें आ गई। जेपी कॉलोनी मारवाड़ी में भूजल रिसाव जारी है। अमेजन ने आर्थिक निश्चितता का हवाला देते हुए आज कहा कि वह अपने 18,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करेगा। अमेजन के सीईओ एंडी जस्सी ने कहा कि आज हम नवंबर में की गई कटौती को साझा कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। नडेला ने ट्वीट किया कि डिजिटल परिवर्तन के नेतृत्व में सतत और समावेशी आर्थिक विकास पर सरकार के गहन ध्यान को देखना प्रेरणादायक है। प्रयागराज में एक महीने तक चलने वाले माघ मेले में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जोशीमठ में बड़ी संख्या में लोगों ने मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि उनके घरों में गहरी दरारें आ गई हैं, जिससे वे दहशत में हैं।